क्वेश्चन में क्या है, इन अ क्लास देयर वर अ 9 बॉयज एंड सम गर्ल्स, इन अ टेस्ट द मीन स्कोर ऑब्टेन बाय बॉयज वाज 12 विल द ऑब्टेन बाय गर्ल्स वाज 14। देखिए बॉयज के द्वारा जो स्कोर मीन स्कोर किया गया है वो 12 है और गर्ल्स के साथ क्या है 14 है, ठीक है मीन स्कोर। इफ द ओवरऑल एवरेज वाज 13.1 और दोनों का एवरेज कितना है 13.1 है, तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, तो आपको बताना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्लास में, आपको ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत मेथड हैं, मैं आपको एलिगेशन से सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरीके सॉल्व होगा। देखिए एक तो है बॉयज़ और एक तो है गर्ल्स, ठीक है बॉयज़ की संख्या कितनी दी है 9 दी है, ठीक है और गर्ल्स की संख्या क्या है पता नहीं है। बॉयज़ का एवरेज कितना दिया है 12 दिया है और गर्ल्स का 14 दिया है और दोनों का कितना दिया है 13.1, इनका डिफरेंस करिए तो कितना होगा 13 में से अगर 13.1 में से अगर 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 1.1 बचेगा, ठीक है और 14 में से अगर 13.1 जाएगा तो कितना बचेगा 0.9 आएगा। इस पॉइंट से क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा हट जाएगा, ठीक है ठीक है। अब आपको पता है 9 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, मतलब टोटल नंबर कितने हैं बॉयज़ के 9 है, जब 9 की वैल्यू 9 आई है बॉयज़ होगी तो 11 क्या होगी गर्ल्स की वैल्यू होगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 11 आएगी, ठीक है तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है एक्स इक्वल टू 11 आ गया। आपसे पूछा क्या क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया है क्लास में कितने हैं, तो 9 + 11 कितना होता है 20 होता है, ठीक है तो बॉयज़ प्लस क्या होगा गर्ल्स, ठीक है बॉयज़ प्लस गर्ल्स तो कितना हो गया 20, तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना होगा 20 होगा। ओके दोस्तों एलिगेशन है सिंपल, एक बार फिर से देखिएगा आपको ईजिली समझ में आ जाएगा।